in your SS classes, and I hope all of you are doing your studies on regular basis. And I hope आप सभी ने टाइम टेबल अपना फिक्स कर लिया होगा स्टडीज के लिए, एंड यू आर फॉलोइंग दैम, और आप उसे फॉलो भी कर रहे हैं. विद दिस होप लेट्स स्टार्ट टूडे सेशन. सो इन अवर प्रीवियस वीडियोज वी स्टार्टेड द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एंड वी ऑलरेडी read the Himalayan mountains and its division, and today we will continue with the northern plains. ke physical features ke bare mein aapko bataya gaya tha, to Himalayan mountain ke baad mein northern plain. Himalayan mountain ke apne three ranges padhi thi, and then going to read about the northern plain. This area is the northern plain, the division of northern plain. Northern plains ko humne three parts mein divide kiya hai on the basis of the area they cover. सो फर्स्ट डिवीजन इज पंजाब प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन का वो पार्ट जो पंजाब में आता है, ये नॉर्दर्न प्लेन की वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, सबसे वेस्ट में है, वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है. दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस. इंडस रिवर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नॉर्दर्न प्लेन है वो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस, एंड उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पर फ्लो होती है पंजाब में, दैट इज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. लाइक दैट दीज आर द, इधर इंडस रिवर है, रिवर इंडस, एंड ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. तो पंजाब प्लेन इज ड्रेन बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एंड इट मेक्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. ये नॉर्दर्न प्लेन की वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है पंजाब प्लेन. एंड फाइव रिवर्स है, हमने पढ़ा था दो आप किसे कहते हैं, द एरिया बिटवीन टू रिवर्स. सो पंजाब का जो नेम पड़ा है वो भी इसी तरह है, पंज मीन्स फाइव एंड आब मीन्स वाटर. द एरिया विच इज कवर्ड बाय द फाइव रिवर्स, सो इट इज कॉल्ड द पंजाब. नेक्स्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज द गंगा प्लेन. सो गंगा प्लेन लाइज बिटवीन द रिवर घग्गर इज हियर एंड द रिवर तिस्ता. तिस्ता टू घग्गर रिवर है. दिस रिवर ड्रेन द स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. सो दिस एरिया इज गंगा प्लेन. एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज हियर. सो गंगा प्लेन के ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र प्लेन, एंड इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र रिवर है, इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करती है. ब्रह्मपुत्र प्लेन में असम एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये स्टेट्स हैं आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन में. सो हियर वी रीड द लैटिट्यूडनल डिवीजन. अभी हमने कौन सा डिवीजन पढ़ा है, लैटिट्यूडनल डिवीजन पढ़ा है. नाउ वी विल रीड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. वी विल रीड द डिफरेंट रिलीफ फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन के जो डिफरेंट रिलीफ फीचर हैं उनमें फर्स्ट आता है भाबर, दैट इज साउथ टू द शिवालिक. हमने रेंजेस पढ़ी थी, द ग्रेटर हिमालय, द मिडल हिमालय, द आउटर हिमालय, दैट इज शिवालिक. इसे शिवालिक कहा गया था. शिवालिक के बाद में नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है. नॉर्दर्न प्लेन में सबसे, अगर नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ऊपर हम देखें, यानी कि शिवालिक के साउथ में, यहां पर है भाबर एरिया. अब क्या है, रिवर अपने साथ में बहुत सारे पेबल्स लेके आती है, बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है. तो यहां पर जब रिवर माउंटेन से निकल के प्लेन में एंट्री करती है, तो यहां पर ये सेडिमेंट्स, ये जो पेबल्स हैं, इनको इकट्ठा कर देती है. यहाँ पर जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है रिवर. सो यहाँ पर रिवर दिखाई नहीं देती क्योंकि वो पत्थरों के नीचे चली जाती है. सो पेबल्स के नीचे से वाटर चली जाती है, तो यहाँ पर इस एरिया में डिसअपियर हो जाती है. मतलब थोड़ी देर के लिए जो रिवर है वो दिखाई नहीं देती कहाँ पर, भाबर में. शिवालिक के नीचे है भाबर एरिया, एंड ये पैरेलल है शिवालिक के. जैसे जैसे शिवालिक है वैसे वैसे उसके पैरेलल है, एंड ये एक बेल्ट बनाता है 8 to 16 किलोमीटर की. मतलब कहीं पर 8 किलोमीटर मिनिमम 8 किलोमीटर है, और 16 है वो मैक्सिमम. इतने किलोमीटर की बेल्ट बनाता है शिवालिक के साउथ में. एंड ये जो पेबल्स है ये रिवर्स लेके आई है, क्योंकि रिवर अगर डिसेंड हो रही है माउंटेन से तो वो इरोजनल एक्टिविटी करती है, और अपने साथ में जो पेबल्स लाई है वो उसने भाबर में जमाने स्टार्ट कर दिए हैं. सो अगर क्वेश्चन आता है भाबर, तो उसमें आपने ये लिखना है कि पैरेलल है ये शिवालिक के, 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट है वाइड, एंड यहाँ पर पेबल्स हैं जिसमें जो रिवर है वो डिसअपियर हो जाती है. नेक्स्ट रिलीफ फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज तराई, दैट इज द साउथ टू द
भाबर, जो भाबर बेल्ट है उसके साउथ पे तराई रीजन देखने को मिलता है। शिवालिक के साउथ में भाबर है और भाबर के साउथ में तराई रीजन है। तराई रीजन है ये, वेट है, मार्शी है, स्वैम्पी है, दलदल है, यहाँ पर कीचड़ है, क्योंकि इसे रिवर जाती है तो उसकी वजह से ये एरिया है ये स्वैम्पी मार्शी बन गया है। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट होंगे तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी यहाँ पर होंगे। जब इंडिया का पाकिस्तान से पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पर जो माइग्रेंट्स थे, जो पाकिस्तान से लोग आए थे, उनको सेटल करने के लिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया था, एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कराने के लिए एंड सेटल करने के लिए। यानी कि जो ये तराई रीजन है, यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इनहैबिटेड है, यहाँ पर लोग रहते हैं। तराई रीजन को गवर्नमेंट ने, तराई रीजन है वहां पर सेटलमेंट एंड उसको एग्रीकल्चर लैंड के लिए उस एरिया को क्लियर करवाया है। भाबर रीजन में जो रिवर है वो डिसअपियर हो गई थी, वो तराई रीजन में फिर से री इमर्ज हो जाती है, दोबारा दिखाई देने लगती है, क्योंकि पैबल्स के नीचे से वो निकल कर अब बहना स्टार्ट कर देती है, तो तराई रीजन में रिवर है वो दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट इज प्लेन्स ऑफ खादर एंड बाबर। ये वो एरिया है जो रिवर्स ने बनाया है, मतलब जहां पर रिवर पहले फ्लो होती थी, जहां पर रिवर का पानी, जब फ्लड आता था तो जहां तक रिवर का पानी आता था वो पार्ट था बांगर, मतलब पहले रिवर का पानी आता था, फ्लड आता था यहाँ पर, तो ये पार्ट है। सो दिस पार्ट इज बांगर। एंड जो अभी न्यू एलुवियम है, जहां पर अभी भी रिवर का पानी आता है, अभी भी फ्लड आती है, और हर साल फ्लड आती है, जब बारिश होती है तो फ्लड आती है, तो हर साल यहाँ पर रिवर का पानी पहुंचता है, तो ये ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि रिवर अपने साथ में बहुत सा एलुवियम सेडिमेंट्स लेके आती है जिसमें मिनरल्स होता है जो फर्टाइल होता है। तो खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर। बांगर जो एरिया है वहां पर आपको कंकर नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये है, ये रिन्यू होता है, ये ज्यादा फर्टाइल है, मतलब ये यंग एलुवियम है एंड ये ओल्ड एलुवियम है। ओल्ड एलुवियम मीन्स कभी रिवर यहाँ पर आती थी और उसने यहाँ पर सेडिमेंट इकट जमा करे थे, लेकिन अब यहाँ पर फ्लड आती है तो रिवर यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये जो एलुवियम है ये ओल्ड हो गए है। जबकि खादर रीजन में अभी भी फ्लड आती है तो रिवर का पानी आता है, जिससे रिन्यू होते रहते हैं, ये ईयर टू ईयर रिन्यू होते हैं, एंड यंग एलुवियम है। सो खादर आर मोर फर्टाइल देन बांगर प्लेन्स। थर्ड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया में कहाँ पर है? दिस एरिया इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, दैट इज द साउथ टू द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो पेनिनसुला, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुला? द एरिया दैट इज कवर्ड बाय वॉटर फ्रॉम थ्री साइड्स, थ्री साइड से जो वॉटर से कवर है, दैट पार्ट इज नोन एज पेनिनसुला। एंड अगर कोई पीस ऑफ लैंड है वो चारों ओर से वॉटर से सराउंडेड है, दैट इज कॉल्ड द आइलैंड। यस, उसे आइलैंड कहा जाता है, और जो थ्री साइड से वॉटर से सराउंडेड है दैट इज कॉल्ड द पेनिनसुला। सो दिस एरिया इज नोन एज द पेनिनसुला। अब थ्री वॉटर बॉडीज कौन सी है? अभी आप क्लास में होते तो अभी आप आंसर देते। सो लिसन टू मी, इफ यू नो वेरी गुड, एंड इफ यू डोंट नो देन लिसन। हेयर इज द बे ऑफ बंगाल, हेयर इज द अरेबियन सी, ओके, एंड विच इज द थर्ड बॉडी? बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज अरेबियन सी, एंड थर्ड बॉडी इज, यस, इंडियन ओशन। हियर इंडियन ओशन, ये थर्ड वाटर बॉडी है, तो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होता है? पेनिनसुला हमने पढ़ लिया, प्लेट्यू क्या होता है? अपने आसपास के एरिया से एक टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ भाग है, दैट इज कॉल्ड द प्लेट्यू। प्लेट्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन की पीक होती है अलग से, बट जो पेनिनसुलर होता है, बट जो प्लेट्यू है दैट इज अ टेबल लैंड, एक टेबल लैंड ये ऊपर उठ गया है, और जो माउंटेन होता है उसकी पीक होती है, हाइटेड होता है, इतना ज्यादा हाइटेड नहीं होता बट एलिवेटेड, अपने आसपास के एरिया से एक टेबल, आपने टेबल देखी होगी, टेबल जैसे ऊंची होती है, ऐसे टेबल लैंड की तरह इसका फ्लैट सरफेस होता है ऊपर से, दैट इज कॉल्ड द प्लेट्यू। ऐसा नहीं है कि इसमें हिल्स नहीं होती है या पीक्स नहीं होती है, वो होती है इसमें, बट इसको प्लेट्यू इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हाइयर है, अपने जो ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, इनसे ऊपर उठा हुआ है। और ये ऊपर क्यों उठा था? ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए थे, जिससे फॉर्मेशन हुआ था हिमालयन माउंटेन का, तब यहाँ पर क्योंकि ये वीक जोन था तो यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुए थे, और जो लावा था उसकी वजह से इसका जो पार्ट है ये ऊपर उठ गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द
plateau. Peninsular plateau is further divided into two parts. First one is Deccan Plateau and second one is Central Highland. So where is the Central Highland? Look at the map. Vindhya Ranges. ये विंध्याचल ranges है, ये north में है Central Highland के. And south में सतपुड़ा ranges है, ये सतपुड़ा ranges है. And north west में अरावली ranges है, ये अरावली ranges है north west में. And सबसे east में छोटा नागपुर plateau है, ये छोटा नागपुर plateau है. So this area is Central Highland. Central Highland में मालवा plateau का ज्यादातर portion आता है, ये मालवा plateau है. तो मालवा plateau is covered under the Central Highland. And नर्मदा river के south में, यहाँ पर नर्मदा and तापी river. तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड. सो दिस इज द एंड सेंट्रल हाईलैंड को इसका रीजनली नेम, मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश में या यहाँ पर इसको लोकली इसका नाम है बुंदेलखंड एंड बागेलखंड. तो रीजनली अलग अलग इसको लोकल नेम से जाना जाता है सेंट्रल हाईलैंड को, दैट इज बागेलखंड एंड बुंदेलखंड. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर शेप है, आपको दिख रहा होगा, ये है डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू एंड सतपुड़ा रेंजेस है वो इसके नॉर्थ में है. एंड नर्मदा रिवर यहाँ पे है, तो नर्मदा रिवर के साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू. एंड ये थोड़ा सा टिल्ट है ईस्ट की तरफ, यानी कि जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये ऊपर उठा हुआ है एंड जो ईस्टर्न पार्ट है थोड़ा नीचे है. इसीलिए जो बहुत सारे रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है एंड वेस्ट की तरफ ऊपर उठा हुआ है, इसलिए रिवर्स की डायरेक्शन ये है. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस यही रीजन है क्योंकि ये टिल्ट है थोड़ा सा ईस्ट की तरफ. एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी डेक्कन प्लेट्यू के कुछ माना जाता है कि यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, जैसे कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया या कार्बी एंगलोंग, यहाँ पर जो रीजन है उनको पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट थी उसकी वजह से ये पार्ट है यहाँ से अलग हो गया. सो दैट्स व्हाई पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट इसे माना जाता है. और ये पार्ट के लिए जो स्टडी है वो इस तरह से होती है, जो रॉक्स हैं या जो फॉसिल्स हैं वो दोनों में सेम है. सो इसीलिए इसको कार्बी एंगलोंग और गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में हिल्स हैं वो इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज हियर द वेस्टर्न घाट्स एंड हियर इज द ईस्टर्न घाट. सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, क्योंकि अभी हमने ये तो देख लिया है कि डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट में है ईस्टर्न घाट. सो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूस जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर जो हिल्स हैं वो कंटिन्यूस है, मतलब उनको अगर क्रॉस करना है तो पासिस, जो वो दो माउंटेन को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता होता है सिर्फ पासिस का यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम रिवर फ्लो होती है. मेन रिवर यहाँ पर मेजर रिवर नर्मदा एंड देन तापी है. नर्मदा एंड तापी के बाद में यहाँ पर कोई मेजर रिवर नहीं है, तो जो इरोजन वर्क है माउंटेन्स का वो नहीं हुआ है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है. अगर कंपेरेटिवली हम देखें ईस्टर्न घाट, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर बहुत सारे मेजर रिवर्स हैं जिनकी फ्लो होने की वजह से जो रिवर्स, जो माउंटेन्स हैं वो डिसेक्ट हो गए हैं, जो हिल्स हैं वो डिसेक्ट हो गए हैं, डिसकंटिन्यूस हो गई हैं या इररेगुलर है बहुत ज़्यादा. जो ये ईस्टर्न घाट है बहुत ज़्यादा मतलब टूटे हुए हैं बीच में से, हायर दैन ईस्टर्न घाट. हमने अभी भी डेक्कन प्लेट्यू है वो टिल्ट है ईस्ट साइड में, सो ये हायर है एज कंपेरेटिवली ईस्टर्न घाट. और अगर एलिवेटेड एलिवेशन की बात करें कि यहाँ पर जो हिल्स हैं या पीक्स हैं उनकी हाइट एवरेज, तो 900 टू 1600 मीटर यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है, जबकि जो इनका एलिवेशन है वो 600 मीटर तक है. और हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की अनाईमुदी है, जो कि नीलगिरी में पड़ती है, जो कि नीलगिरी रेंजेस में है केरला में. एंड हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी है, जो कि ओडिशा में है. एंड अगर एक्सटेंशन हम देखें तो तापी रिवर से और नीलगिरी तक वेस्टर्न घाट है एंड महानदी वैली से नीलगिरी तक ईस्टर्न घाट है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज द इंडियन डेजर्ट. यू कैन से दैट थार डेजर्ट एंड वेस्टर्न डेजर्ट. सो हियर इज द वेस्टर्न डेजर्ट, दिस इज द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एंड जो अरावली रेंजेस है उसके वेस्ट में है, यहाँ पर अरावली रेंजेस है, इसके वेस्ट में पड़ता है थार डेजर्ट. एंड यहाँ पर सैंड ड्यून्स
जो फीचर्स है, लैंड फॉर्म्स है, वो सैंड ड्यून्स बालू के टीले आपको देखने को मिलेंगे। रेनफॉल है 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। एरिड क्लाइमेट है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एंड रेनफॉल बहुत कम है, उसकी वजह से वेजिटेशन है वो भी बहुत कम है, मतलब पेड़ पौधे वो बहुत कम है। कैक्टस प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड बुशेज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर इस एरिया में। सो लूनी इज द मेजर रिवर ऑफ दिस रीजन, एक बड़ी रिवर है वो लूनी रिवर है द इंडियन डेजर्ट में। एंड यहाँ पर जो सैंड ड्यून्स हैं उनमें एक होता है बरचांस, रीसेंट शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इरोजन की एजेंट है वो विंड है, मतलब विंड से ही इरोजन होता है। सो सपोज करिए यहाँ पर कोई सैंड ड्यून है और हवा चलेगी तो मिट्टी को वो उड़ा करके इस डायरेक्शन में ऐसे बिछाना स्टार्ट कर देगी, इन्हें कहा जाता है बरचांस। तो बरचांस इज अ मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। काफी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसका आपके एनसीईआरटी बुक में भी, सो आपने बस यही डिस्क्रिप्शन लर्न करना है इंडियन डेजर्ट का। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज द कोस्टल प्लेन्स। सो इन मैप वी लुक एट द लोकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन। सो कोस्टल रीजन का मीन्स वन साइड लैंड है एंड वन साइड वाटर है। सो हियर इज द अरेबियन सी, यू नो अरेबियन सी, एंड हियर इज द बे ऑफ बंगाल। यहां पर हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट्स है जो कि डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, एंड यहां पर ईस्टर्न घाट्स है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में जो सैंडविच बन रही है, जो पार्ट बन रहा है, दैट इज द कोस्टल प्लेन। कौन सा कोस्टल प्लेन है, हमने फर्दर इसको डिवाइड करा, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन है, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड सेम हियर, ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में जब सैंडविच बन रही है, जो पार्ट आ रहा है कोस्टल रीजन का, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो हियर आर द टू डिविजन्स ऑफ कोस्टल प्लेन। कोस्टल रीजन मीन्स वन साइड लैंड है एंड वन साइड वाटर है, दैट इज द कोस्टल एरिया। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, हियर इज द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, एंड हियर इज द अरेबियन सी, एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, हियर इज द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब रीजनली इसके कुछ नेम है, जैसे कि मुंबई टू गोवा इसे कोंकण कहा जाता है, इधर मुंबई टू गोवा कोंकण, एंड कर्नाटका में इसको कन्नड़ कहा जाता है, एंड केरला में मालाबार कोस्ट, इधर इज द मालाबार कोस्ट एंड कन्नड़ एंड कोंकण। एंड यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो काफी शॉर्ट कोर्स हैं, तो वो कोई सेडिमेंट्स इकट्ठे नहीं करती है, दैट्स वाई वो बनाती है एस्चुरीज बनाती है, मींस ओपन सी में डायरेक्ट गिर रही है रिवर। प्लेन से जो रिवर होके जाती है वो एस्चुरीज बनाती है यहाँ पे, एस्चुरीज मींस डायरेक्ट ओपन सी में ही अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है बिना कोई स्ट्रक्चर बनाए हुए, एस्चुरीज बनाती है नर्मदा एंड तापी रिवर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज हियर इज द नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। मालाबार कोस्ट यहां पर है, कोरोमंडल कोस्ट यहां पर है, एंड ये जो ऊपर का हिस्सा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सरकार। और क्योंकि बहुत सारे मेजर रिवर्स कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में से होकर के जाती हैं मर्ज होने के लिए बे ऑफ बंगाल में, सो ये अब इन रिवर्स का कोर्स बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करती हैं, तो इरोजनल एक्टिविटी भी ज्यादा करती है, तो इनमें जो सेडिमेंट है वो इतना ज्यादा होता है कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ही एक स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब सेडिमेंट्स इकट्ठे करने स्टार्ट कर देती है, डिफरेंट स्ट्रीम में ये डिवाइड हो जाती है, सेडिमेंट्स जमा करने स्टार्ट करती हैं, तो एक डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है डेल्टा। सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स है वो बनाती है डेल्टा, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की रिवर एस्चुरीज बनाती है। एंड द लास्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज द आइलैंड, यू नो आइलैंड, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है एंड बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। सो लक्षद्वीप है कोस्ट से बिल्कुल पास है, केरला से 280 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर है लक्षद्वीप, एंड पहले इसका नेम था लक्कादीप मिनिकॉय एमनीदीप, जो कि 1973 में चेंज होके लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसको कवर करता है,
एंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कवारत्ती है, जो कि इसकी कैपिटल है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, सो इसकी कैपिटल है कवारत्ती, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है ये। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इज इन बे ऑफ बंगाल एंड इट इज अ चेन ऑफ आइलैंड ग्रुप्स। ये छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, उनकी चेन है। नॉर्थ में अंडमान है एंड साउथ में निकोबार आइलैंड है। यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है, मतलब इक्वेटर के पास में है ये। सो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है, मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेनफॉल, ऐसा क्लाइमेट है। और यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल भी हैं। एंड कैसे बने हैं अंडमान एंड निकोबार, उसके लिए बोला जाता है कि ये सबमेराइन माउंटेन है, मतलब जो पानी में डूब गए हैं और उनके ऊपर के जो पीक है वही बनी है आइलैंड। वोल्केनो इरप्शन हुआ है और वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से जो माउंटेन्स बने हैं वो सबमेराइन अब पानी में डूब गए हैं और उनकी वजह से ही बने हैं अंडमान एंड निकोबार। जबकि लक्षद्वीप के लिए क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप को बोला जाता है कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या है, कोरल छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिक्रेट करते हैं, कार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं। अब कार्बोनेट से सिक्रेट होने की वजह से और उनकी जो डेड बॉडी, ये कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम कोरल कह रहे हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ कॉरल्स हम इकट्ठे रहते हैं। तो उनकी जो डेड बॉडी है और जो कार्बोनेट है उसको, उसके ऊपर लेयर बनती गई और लक्षद्वीप बने। सो लक्षद्वीप को बोला जाता है कोरल आइलैंड। वन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोरल आइलैंड कौन से हैं, लक्षद्वीप। एंड अंडमान एंड निकोबार कैसे बने हैं, सबमेराइन माउंटेन। सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड इफ यू हैव बुक जस्ट रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी एंड ऑब योर पेरेंट्स, डू योर स्टडीज रेगुलरली, बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।